ऑल राइट नितिश दी ग्रेट। ओके जी, तो काफ़ी अपनी तरफ से वीडियो एक्टिंग करने की कोशिश की है और कई वर्जन्स बनाए हैं, राइट। चलो देख, आहा बाहर आम वाला आ गया। ऑल राइट मैंने देख चुका हूँ वैसे ही, एक बार फिर से प्ले कर देते हैं। ऑल राइट यार, एक समझ में नहीं आई मेरे को बात नीतीश, तू चल क्यों नहीं पा रहा? वही प्रॉब्लम है जो पिछली बारी थी, तू इतनी चलने में एक्टिंग क्यों कर रहा है? ये क्या हो रहा है? मतलब जैसे इंसान चलता है वैसे चलना है यार, जैसे तू चलता है ये क्या है? एक में स्टंबल हुआ है और एक में कांटा लगा है, एक में जंप करने की कोशिश की है। अभी भी जो मैंने पिछली बारी बोला था वही लग रहा है कि सबसे इंटरेस्टिंग तो कांटे वाला होगा, क्योंकि इट इज़ स्लाइटली डिफरेंट। स्टंबल ठीक है बट कॉमन है, लेकिन इतना है कि इन तीनों में पहली चीज़ तो वॉक बड़ी नकली है यार, मज़ा नहीं आ रहा। बहुत आराम से चले यार जैसे तू चलता है ना? और ओवर एक्टिंग हो रही है। अगर पैर अटकाना है तो सच में कुछ ऐसा लगा जिससे पैर अटके। एक काम करते हैं यार, अब नेल डाउन करते हैं, वर्जन्स हो गए, लेट अस ट्राई टू फाइनलाइज दिस। थॉर्न वाला जो कांटा लग रहा है उसके पैर में, तो उसी के वर्जन करते हैं। उसमें सिर्फ एक एडिशन करना कि जब उसका पाँव में लगे तो पाँव में वो कूदता कूदता 180 डिग्री में पहुंच जाए, यानी वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। पाँव पे लगा और जैसे ही लगा तो वो छलांगे मारते हुए सीधा ना जाए, वो छलांगे मारता हुआ 180 डिग्री, यानी अगर ऐसे है तो उल्टा हो जाए। समझ में आया ना? वहाँ पे लगा तो कूदता कूदता 180 डिग्री टर्न हो जाए। अगर मुंह उसका इस तरफ है तो कांटा लगने के बाद कूदता कूदता उसका मुंह दूसरी तरफ हो जाए, बड़े नेचुरल तरीके से। अब इसको अगर हम एनालाइज करें कांटे वाले को, तो ध्यान से देखना, देखो क्या रहा है। पहले तो ये चल रहा है बहुत नकली, मज़े नहीं आ रहा, बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे को, बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट फ्रेम करते हैं। चल अब हो क्या रहा है, तूने शायद वहां चुभने वाली कोई चीज रखी है ना? ठीक है इसमें, ठीक है अगले वाले में बहुत एक्टिंग लग रही थी चुभने वाली, इसमें क्योंकि जो चीज मैं कहना चाहता हूं कि जब सच में किसी के पाँव में कांटा लगेगा उसको पता नहीं होगा कि उसके नीचे कांटा है, तो वो पैर पूरी तरह रखेगा। तूने अगले वर्जन्स में ना पैर भी बड़े आराम से रखा है क्योंकि तुझे पता नीचे चुभ ना जाए, तो वो ठीक वीडियो रेफरेंसिंग नहीं होगी। तो इसलिए अगर ज़रूरी नहीं है कि नीचे सच में कांटा रखे तू, क्योंकि तेरे पैर को जख्मी करना नहीं चाहता तू, तो इसलिए बहुत घबरा के कर रहा है, तो इसलिए कोई सॉफ्ट सी चीज़ भी रख सकता है। पाँव पूरा प्लेस कर, जैसे ही वो फीलिंग चुभने की आई तो रिएक्ट कर वैसा जैसे चुभने पे इंसान करता है, जिस तरह से एकदम से उठाएगा, जो तेरे पहले वाले में उतना ख़राब नहीं है। दिस इज़ ओके, चलना ख़राब है लेकिन ये जो इवेंट है वो उतना ख़राब नहीं किया तूने, अच्छा किया है। पाँव रख भी दिया है और अगला पाँव भी उठ रहा है, और उसके बाद उस पाँव में तकलीफ़ हो रही है तो जोर कम लगा रहा है और दूसरा पाँव फटाफट से ज़मीन पे वापस आ रहा है ताकि उस पाँव पे ज़्यादा जोर ना पड़े। दिस इज़ अ गुड वन। बस यहाँ कूद के तूने 180 डिग्री टर्न लेनी है, और क्योंकि हमारे कैरेक्टर के हाथ नहीं होंगे तो तू एक्टिंग भी वैसे ही कर, हाथ बांध के, ताकि ठीक से हम यूज़ कर पाए इस रेफरेंस को। तो पाँव को हाथ से पकड़ नहीं पाएगा हमारा कैरेक्टर, उसके हाथ नहीं है, ये 180 डिग्री टर्न हो जाए।
ठीक है, अगले में देखना वही पंगा है जो मैं बोल रहा हूँ, पहले से ही पाँव बचा रहा है, जो कि गलत, अच्छी रेफरेंस नहीं मिलेगी तेरे को। फर्स्ट टाइम ही अच्छा किया तूने, यहाँ पे भी नकली है और पाँव बचाया हुआ है। पहला जो था दैट वॉज गुड, इट्स वेरी क्लोज। अब यहाँ टर्न जंप करता करता 180 डिग्री टर्न कर जा, और ओवरऑल फ्रेम्स का ध्यान रखना जो हमने इसमें स्पेसिफाई किया हुआ है। आई थिंक कितना है, 100 से 150 फ्रेम्स है समथिंग, देख लेना PDF में, तो उतने ही फ्रेम्स में करना क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, महीने के अंदर अंदर ख़त्म करना है हमें। ठीक है, ऑलरेडी हमारा प्लानिंग लटक गया यार, 2-3 रिव्यूज़ नहीं होने चाहिए, अब तक फाइनल हो जाना चाहिए था। एनीवेज़ अब ये जो मैंने नेल डाउन कर दिया है ये वाला वर्जन को, जैसे मैंने बताया वैसे कर कर ले, जो 180 डिग्री टर्न वाली चीज़ है, और वॉक बहुत नेचुरल, और उसका पाँव रखना कांटे के ऊपर बहुत नेचुरल। तो अगर तुझे शक हो तो 3-4 वर्जन कर लेना, बस इसमें से हम फाइनलाइज करेंगे एंड वी विल जंप इनटू नेक्स्ट स्टेज, दैट इज़ पेपर प्लानिंग। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट।